एक स्कर सामने से भी आ रही है। हेलो आसमानी स्कर। मैं इंक्वायरी कराना तेरा बस आप लाना हूँ अपना ख्याल कर। क्या बात है भाई साहब, मैं तो कहता हूँ हाय हाय हाय। यार ये चेक करो, इसका जो रिम है सारा टूट गया। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप यार तुम लोग ठीक होगे, हैप्पी अभी होगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होगे। कल के व्लॉग में तुम लोगों को पता जैसे कि मेहंदी का फंक्शन था और रात को काफ़ी ज़्यादा लेट होने के बाद अभी सुबह सुबह हो गया, मुझे लगा धूप होगी, लेकिन यहाँ पे तो मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में ना बादल आए हुए यार। जब का लोर आया है ना तुम्हारा भाई, मैं कहता हूँ धूप का नामो निशान ही मैंने सही से देखा। खैर यार एनीवेज वेलकम हो गया तुम लोगों का न्यू व्लॉग में। अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। आज ये टाइटल और थंबनेल से तुम लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा, जैसा कि तुम लोगों को पता है हम कार चलाने लगे आज। ठीक है, कार में फ्यूल फुल करवाना है, फिर ना टायर में हवा वगैरह भरवानी है, तो जल्दी से चलते हैं, जैकेट वगैरह चेंज कर लें क्योंकि इसमें ठंड वगैरह मुझे काफी ज्यादा फील हो रही है। तो लेट्स गो ड्राइविंग स्कर फॉर द फर्स्ट टाइम। चलते हैं इसको लेकर, जो मैंने आप लोगों को काम वगैरह बताया वो करवा लें। मुझे ना काकू वाली वाइफ आ रही है। हेलो आसमानी। फाइनली पेट्रोल पंप पे हम आ चुके हैं। अच्छा जो मेरे साथ लड़का आया ना, देखना उसने पता क्या बोला, हमने डलवाना है 5,000 का। भगवान जाके कहते हैं 4,999 रुपए का डालना। अब पता नहीं यार पेट्रोल पंप वाले इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते, अब देखते हूँ मैं जाके डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। चेक करो कितने का डलवा रहा है, 4,299। यार इसके काम चेक करो जरा, यार अंदाजा लगाओ 4,999 का डाला है। सर से लूट आओ यार, चलिए अब आपको जाके ना मैं जरा इसकी थोड़ी बहुत वाइप चलता हूँ। बंद हो जा तू तो। हेलो यार कसम से इतना गुस्सा चढ़ता है ना, ऑटोमेटिक जूम हो जाता है मेरा मोबाइल। हेलो आसमानी तेरा तो गेम बजाना। एक स्कर सामने से भी आ रही है। हेलो आसमानी स्कर। मैं इंक्वायरी कराना तेरा बस आप लाना हूँ अपना ख्याल कर। क्या हाल चाल है यार तुम्हारा भाई मिनी काकू बना है। अरे यार एनीवेज पेट्रोल वगैरह डलवा लिया 4,999 रुपए का, अभी चलते हैं घर जाके सारों से पहले गाड़ी उनके हवाले करें। मैं बारात पे नहीं जा रहा, ठीक है बारात पे सिर्फ लोग ही जा रहे हैं और लिमिटेड बंदे वैसे भी इनवाइट है, तो अभी बस जाके इसको उनके हवाले करते हैं। और जैसे ही रोड थोड़ा सा हाली होता है ना स्कार को जरा थोड़ा सा खींचे तो सही, हम भी तो चेक करेंगे स्कार की क्या वॉइस वगैरह कैसी हो। स्कार तुम आ जाओ फिर, चलो तुम्हें थोड़ा सा छिके हम। ओए सैड तू बॉय, अभी जाके पहले नाश्ता करते हैं उसके बाद अपना ना कोई सीन वगैरह करते हैं, क्योंकि देखो बादल वगैरह आए हुए हैं, धूप शुप कुछ भी नहीं निकली। मुझे तो स्कार पे ना प्यार आ रहा है प्यार। ये भगवान क्या जुलुम है, अ लिटिल बिट प्यार ज्यादा नहीं, अ लिटिल बिट। चलो आप लोगों को ना एक गाना सुनाता हूँ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कर। बंद हो जाओ, चलते हैं जी जाके नाश्ता वगैरह सारों से पहले करें। काकू कैसे करता होता है। ओए नहीं ओए पार्किंग बढ़ गए भाई। ओए लाइट नहीं जली, गाड़ी वगैरह आ चुकी है, गाड़ियाँ ये खड़ी हुई हैं, बाकी जो गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई हैं, बस जा रही है एक, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, वो जा रही है, और जितनी भी गाड़ियाँ होंगी वो रास्ते में से आगे पीछे से आती रहेंगी। बारात वगैरह जो है जाने का टाइम हो गया, आप लोगों को मैं दूल्हा दिखा देता हूँ और फिर उसको ना सी ऑफ कर। ये है जी हमारे दूल्हा भाई। ओके अहमद भाई अल्लाह हाफिज़, बाय बाय अल्लाह हाफिज़। फाइनली यार अल्हम्दुलिल्लाह सारे चले गए हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। अब मैं जाके कौन से घर में रहूंगा, अभी जो है चलते हैं दूल्हे के कमरे में, जाके देखते हैं कि दूल्हा के कमरा कितना सजा, क्योंकि वो बारात वगैरह आएगी तो फिर दूल्हा अपने कमरे में जाएगा। तो यार ये जी दूल्हे का कमरा, लाइट ऑन करते हैं। ओ ओ मोहने बच्चियो, अब मुझे लगता था कंप्लीट तैयार हो गया होगा यार, अभी तक तैयार नहीं हुआ, अभी तो थोड़ी देर तक बारात वगैरह भी आ जाएगी। और हालत देखो कमरे की भाई साहब, किसी को कोई फिक्र नहीं है यार, किसी ने कुछ सजाया नहीं हुआ, मुझे लगा यार कंप्लीट सच भी होगा, बेड वगैरह सारा कुछ रेडी हो गया होगा। यार जी ये तो हालात हुए हैं दूल्हे के कमरे के, बढ़ गए भाई, लगता है दुल्हन ने आके ना खुद ही सारा कुछ ना रेडी शेडी कर लिया। ठीक है उसके बाद ना फिर जो है वो कहेंगे कि यार सारा सीन जो है ना दोबारा से करते हैं। अभी यार कुछ देर तक हो सकता है कि ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 6 hours later क्या बात है भाई साहब, मैं तो कहता हूँ हाय 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 माशाल्लाह।
मेरा दिल कह रहा है कि यार खैर यार एनीवेज तकरीबन ना 7 बज चुके हैं नहीं 8 बज चुके हैं ठीक है। अभी जो है बारात वगैरह अभी आ चुकी है, टेरेस से हम खड़े होके शॉर्ट्स वगैरह निकालेंगे। यहाँ पे हम खड़े होंगे ठीक है, बारात वगैरह बस आ गई है, मेन रोड पे बैठ जैसे वो आएंगे हम यहाँ पे खड़े होके अपने जितने भी शॉर्ट्स वगैरह होंगे वो निकाल के फिर नीचे जाएंगे, देखेंगे कि अगर नीचे से सही व्लॉग बनते हैं तो वेल एंड गुड, वरना फिर यहाँ से खड़े होके ना आप लोगों को सारा कुछ दिखाते हैं। 5 मिनट्स लेटर ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ियां गई सारी गाड़ियां आ चुकी हैं, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ये चेक करो सारी गाड़ियां नीचे खड़ी हुई हैं ठीक है, सिर्फ इंतजार है बस का। बस जैसी आती है ना तो फिर फूल वगैरह यहाँ से पकड़ के ना बहारो फूल बरसाओ। यार गाड़ियां तो सारी आ गई हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि दूल्हे वाली गाड़ी कौन सी होगी, क्योंकि बस में भी सारे आ चुके हैं ठीक है, गाड़ियां सारी आ चुकी हैं लेकिन दूल्हे वाली गाड़ी कौन सी होगी ये नहीं पता। फाइनली जो है बारात वगैरह आ चुकी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया सारे आ चुके थे, खड़ा हूँ पेट्रोल सीएनजी पे, आज 2 दफा यहाँ पे चक्कर लग चुका है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरी जो पीएल बर्थ थी, वैसे तो तुम बहुत गंदी हुई हो, इसका जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या हो सकता है यार, ये चेक करो इसका जो रिम है सारा टूट गया है ठीक है, आई डोंट नो ये कैसे टूटा है, बारात के साथ आज ये गाड़ी गई भी थी, यहाँ से भी आप लोगों को दिखा रहा तो यार ये चेक कर। The next day. Good morning. तो यार कल का सीन कुछ इस तरह था, जो मैंने आप लोगों को बारात का सारा सीन वगैरह बताया था कि यार अब भी बारात आएगी तो हम इस तरह की वीडियोस निकालेंगे, साइनमेटिक्स बनाएंगे, तो एट द एंड जब बारी आई ये सारा कुछ करने की, लो जी लाइट चली गई यार, यकीन जानो सीन लौट गई यार। खैर यार अपनी बात कम्प्लीट करते हैं, जो यार कल का सीन था वो जब बारात वगैरह आ गई, आप लोगों का भाई कैमरा लेके खड़ा हुआ तो यार जी सारों की नजर ऐसी थी, और कुछ एक दो मतलब कि मैंने सुना भी था एक दो बंदों से कि यार वो कहने के व्लॉग वगैरह ना बनाओ क्योंकि फैमिली वगैरह है तो कंप्लीट फैमिली आती है और इसमें अच्छा नहीं लगता, सारे देख रहे होते हैं, अब मैंने क्या पता कि आपका भाई ब्लर कर देता, तो यार यहाँ से डिसअपॉइंट होकर मैंने और कोई वीडियो नहीं बनाई, तो जो मैंने एक छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखाया वो भी मैंने कंप्लीट ब्लर कर दिया। इसके बाद जो रिम टूटा वो मुझे लगता है मेरी अपनी नजर लग गई, क्योंकि मैंने मेहंदी के ब्लॉग में बताया था कि फुल स्टैटिक कार लग गई, जिस जो जगह मैंने आपको दिखाई थी वही जगह का रिम टूटा है, स्टैटिक कार। यार एनी वेज कोई मसला नहीं है, बस यार यहाँ से डिसअपॉइंट होकर मैंने और कोई काम नहीं किया, यहाँ पे मैं करता हूँ अपना व्लॉग एंड होप सो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना और मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई है ना फिर मैं नहीं काकू। मिलते हैं कल के व्लॉग में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, कोई गलती उसके लिए कहानी सॉरी दुआ में याद रखना, फिर मान लिया, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।